हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? बीच में आप लोग की एक क्लास नहीं हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। उस दिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा इशू हो गया था, इसी के लिए वो आपकी जो है एक क्लास बीच में नहीं हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, कल से तो कंटिन्यू हो रही है ना। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एनालॉजी, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा नाम पता है, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है विक्रम, और मैं आप लोगों के यहाँ पे क्या पढ़ाता हूँ? रीजनिंग पढ़ाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारा मैथ्स का क्लास देखते हैं कि नहीं? बिल्कुल देखिए, बहुत अच्छे तरीके से करवा रही हैं अभी से मैम। फ्रेंड्स, आप लोग हमारा टेक्निकल क्लास देखते हैं कि नहीं? बिल्कुल देखिए, मनीषा मैम बहुत अच्छे तरीके से करवाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आप रीजनिंग का क्लास तो आशा करते हैं कि आप देख रहे हैं और देख रहे होंगे, इसी के लिए तो आप हैं यहाँ पे अभी प्रेजेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर पहले भी करवा दिया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कैलेंडर हो गया, रैंकिंग ऑर्डर हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, पैटर्न सीरीज, ठीक है, सीरीज, मिसिंग नंबर, बहुत सारी चीज़ करवा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। वो सभी क्लास जाकर आप लोग देखिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में क्या कर रहे थे? हम लोग पिछले क्लास में कर रहे हैं अभी एनालॉजी का दूसरा सेक्शन कर रहे हैं, वो हो रहा है क्या? लेटर एनालॉजी, ठीक है। लेटर एनालॉजी होता है, फिर इसके बाद से नंबर एनालॉजी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले लेटर एनालॉजी का बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एक बार देख लेते हैं, ठीक है, टाइप्स देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसके बाद से आपको हम नंबर एनालॉजी पढ़ाएंगे। जब नंबर एनालॉजी खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप लोग के लिए? क्वेश्चन सेशन शुरू करें, ठीक है फ्रेंड्स। आप हमारा प्रैक्टिस बैच देख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल देखिए, रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच, ठीक है। कितने बजे चलता है? 6 बजे शाम को चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह मैथ्स का भी चलता है, आरआरबी एनटीपीसी 2 के लिए, एनटीपीसी सीवीटी 2 के लिए कब? 11 बजे सुबह को चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जीके जीएस भी मैं लेकर ही आता हूं आप लोग के लिए। क्वेश्चन सीरीज कब चलता है? वो दोपहर 1 बजे चलता है, ठीक है। इन सब क्लासेस को देखिए और खूब मेहनत कीजिए, सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो शुरू करते हैं आज का। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में आपको हम एक होमवर्क दिए थे, इसका आंसर बताएं। चलिए, हम आशा करते हैं आप में से बहुत सारे बच्चे इसको ट्राई किए होंगे, ठीक है। आइए हम बताते हैं आपको इसका आंसर क्या होगा। अगर आप यहां पे गौर करेंगे तो फ्रेंड्स हो क्या रहा है, देखिएगा, देखिए क्या हो रहा है। एम एन ओ पी क्यू आर हो रहा है, एम एन ओ, ठीक है, पी क्यू आर, एन ओ पी यू वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू एक्स टी यू वी। समझ में आया? समझ में आया क्या हो रहा था? दो आगे बढ़ जा रहा है। M कितना है? M कितना होता है? 13। O कितना होता है? 15। P कितना होता है? P कितना होता है? 16। R कितना होता है? 18। N कितना होता है? 14। P कितना होता है? 16। U कितना होता है? 21। W कितना होता है? 23। V कितना होता है? 22। X कितना होता है? 24। T कितना होता है? 20। V कितना होता है? 22। तो फ्रेंड्स, उसी तरह इधर भी करना पड़ेगा, उसी तरह इधर भी करना पड़ेगा ना। तो S के लिए कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? S के लिए क्या आ जाएगा? U। R के लिए क्या आएगा? T। U के लिए क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? दिल्ली बताइए क्या आ जाएगा? W। T के लिए क्या आ जाएगा? V। M के लिए क्या आ जाएगा? O। P के लिए क्या आ जाएगा? जल्दी बताइए क्या आ जाएगा? R। अब देखिए S के, यही हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बोलिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए S कितना होता है? S कितना होता है भाई साहब? 19। U कितना हो गया? 21। R कितना होता है? 18। T कितना होता है? 20। U कितना होता है? 21। W कितना होता है? 23। टी 20, भी 22, पी कितना होता है जल्दी बताइए? 16, आर 18, एम 13, ओ 15। देखे देखे, तो ये इस टाइप का आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा यू टी डब्ल्यू भी ओ आर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप के भी आपके जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे फॉर्म होते हैं, मतलब इस, ये भी एक तरीका है, टाइप है, ठीक है, इसीलिए हम आपको होमवर्क में दिए थे। तो आपके ऐसे भी क्वेश्चन जो क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इसी में फ्रेंड्स, अब और भी बहुत सारे तरीका जो फॉर्म होते हैं उसके बारे में देखते हैं। आपको हम लगभग लगभग अच्छा अच्छा तरीका करवा देंगे, ठीक है, अच्छा हर तरीके से करवा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आइए देखिए, देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप फ्रेंड्स इस जो हम यहां पे लिख रहे हैं उसके बारे में बताइएगा,
बताइए फ्रेंड्स इसका क्या होगा, बताइए, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, बन जाएगा, ट्राई कीजिए, बन जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, पता नहीं आप लोगों को बोरिंग भी लगता है, फ्रेंड्स अगर आप जान रहे हैं, पहले से जानते हैं तो बोरिंग लग रहा होगा आपको, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो बच्चे फ्रेंड्स बेसिक सीख रहे हैं, आपको अभी भले बोरिंग लग रहा हो, एग्जाम में बोरिंग नहीं लगेगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन नहीं बनेगा ना आपसे, तब याद आएगा सर विक्रम सर बोल रहे थे, ठीक है। तो अभी से ध्यान दीजिए पूरा, एकदम डेडिकेशन के साथ इसको सॉल्व कीजिए, पूरा एकदम अपना एनर्जी लगाइए इसमें, बिना लगाए कुछ नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, बिना किए कुछ ना होता है, इस बात को याद रखिए, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए फ्रेंड्स बताइए इसका क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा, बताइए बताइए, कोशिश कीजिए, जब तक कोशिश नहीं कीजिएगा तब तक कैसे हो पाएगा फ्रेंड्स। ये एनालॉजी ऐसे ही कुछ, अब ये मत बोलिएगा कि सर ये सब टाइम पास टाइप का है, इसमें कितना सारा ऐसे होता है, एक दो सीख लेंगे हो जाएगा। फ्रेंड्स इतने पैटर्न है ना, कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, हमें भी टाइम लगता है बहुत ज्यादा, तो इसी के लिए। चलिए बताइए, देखिए फ्रेंड्स जिन लोगों का बन गया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों का जो बेसिक सीख रहे हैं आप देख लीजिए यहां पे क्या हो रहा है, देखिएगा फ्रेंड्स क्या हो रहा है। तो एस, यहां आइए, एस टी यू भी, एस टी यू भी, ठीक है, क्या हो गया, एस टी यू भी। तो एस कितना होता है, एस कितना होता है 19, भी कितना होता है, क्या होता है भी, जल्दी बताइए कितना होता है 22। अब देखिए टी यू भी, टी कितना होता है 20, भी कितना होता है 22, ठीक है। अब देखिए आर एस टी, आर कितना होता है 18, टी कितना होता है 20। इस एस का यहां पे, टी का यहां पे, आर का एस टी यहां पे, एम का, अब देखिए एम कितना होता है, एम होता है कितना 13, पी कितना होता है 15, होता है कि नहीं होता है, बस हाँ हाँ बोल दिए होंगे, पता है हमको 16 होता है। तो देखिए और ए बी सी डी, ए कितना सॉरी फ्रेंड्स, ए कितना होता है 1, डी कितना होता है 4। अब देखिए इसमें क्या समझ में आया, देखिएगा एस 19 था तो यहां पे 3 ऐड किए, कितना हो गया भी 22। उसके बाद से देखिए एम कितना है 13, 13 में 2 ऐड कीजिए, 13 में 3 ऐड कीजिए, कितना हो गया 16, 13 में क्या ऐड किए 3 ऐड किए, कितना हो गया 16, हुआ ना। ए कितना होता है 1, 1 में 3 ऐड किए डी, कितना हो गया 4। आर कितना होता है 18, आर कितना 18, लेकिन सर यहां पे तो 20 है, हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है जहां पे आपको जो है ये सब फॉर्मेशन फॉर्म कर जाएगा और यहां वाला फॉर्मेशन फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है फ्रेंड्स। वैसे आप इसको चेंज कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पे क्या कर दीजिए, यहां पे कर दीजिए यू कर दीजिए, ठीक है यू कर दीजिए, तब हो जाएगा 21, तब आपका जो है सारे के सारे एक फॉर्मेट में हो जाएंगे, ठीक है। देखिए आर 18 यू 21, ठीक है, उसी तरह फिर देखिए क्या बचा, अब बी का होगा, बी बी होता है ठीक है, इसको आप ये भी रख दे तो 2 यहां पे, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप यही रखिए, टी ही रखिए, ठीक है। आर 18 2 20, टी 20 2 22, तो देखिए आर टी में 2 ऐड हो रहा है, बाद बाकी में 3 ऐड हो रहा है, 19 3 22, 13 3 16, 1 3 4, समझ में आया। तो मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो 2 नंबर हैं, इसको 2 जो लेटर हैं, इसके लिए वहां से क्या आएगा 2 ऐड वाला आएगा, और बाद बाकी 3 में 3 ऐड वाला आएगा, कैसे आएगा यहां पे देख लीजिए, डी कितना होता है 4, पहले लिख लीजिए डी कितना होता है 4, आई कितना होता है 9, आर कितना होता है 18, टी कितना होता है 20, वाई कितना होता है कितना, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिएगा, इसीलिए हम बोले आप लोगों की कोडिंग डिकोडिंग में जाके लेटर का नंबर याद कीजिए तभी जाके ये क्वेश्चन बने, तो वहां पे लिखते रहिएगा ए बी सी डी, और एग्जामिनर देखेगा हटा देगा, बोलेगा पेपर शीट चेंज करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको याद रखिएगा जाके, और कोडिंग डिकोडिंग का क्लास जाकर देख लीजिए और पूरा बताएं कैसे याद करना है, ठीक है। चलिए आप देखिए, एक बार में याद नहीं होगा, इसको आप करते रहना कंटिन्यू, जो बच्चे सीख रहे हैं अभी आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। चलिए देखिए ये 4 9 के साथ क्या हो रहा है, यहां वाला देखिए कितना हो रहा है 2 ऐड हो रहा है, तो 4 में कितना कट कीजिएगा 2 हो जाएगा, मतलब 2 4 में 2 माइनस करना पड़ेगा ना, अगर यहां पे प्लस हो रहा था, यहां से करने के लिए आपको यहां पे ऐसा कौन सा नंबर डालेंगे जिसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 होगा, तो फ्रेंड्स डालेंगे बी, बी कितना होता है 2 2 2 4, आई कितना होगा 7, 7 क्या होता है, क्या होता है 7 जी, 7 में 2 ऐड कीजिएगा तो 9। अब देखिए ये बात बाकी 3 जो है इधर वाले से है, इधर वाले हैं, तो इस तीनों में कितना ऐड करना है 3 3 ऐड करना है, देखिए वाई कितना है 25, वाई कितना है 25, तो कितना ऐड करना पड़ेगा तो 3 ऐड करना पड़ेगा, किसमें तो 25 आएगा, 22 में, 22 क्या होता है भी,
क्या होता है बी। अब देखिए टी 20 कितना ऐड करना, कितना कितना में 3 ऐड कीजिएगा तो 20 हो जाएगा 17, 17 क्या होता है क्यू, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है आर, यहां भी 3 15 मतलब ओ, देखिए 22 17 15 हुआ, देखिए हुआ कि नहीं हुआ, 22 3 25 तो हो गया वाई, 17 3 20 हो गया टी, क्यू 15 3 18 हो गया आर, जी 7 2 9 9, बी 2 4, समझ में आया 2 2 4, ये समझ में आया हाँ। अरे ये तो इजी है, ये इजी है, बहुत इजी है, इनिशियल स्टेज क्वेश्चन है, डिफरेंट इससे भी ज्यादा डेंजरस डेंजरस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आपसे ये भी क्वेश्चन आपसे बन गया होगा फ्रेंड्स, और जिनसे नहीं बना होगा आप इसको क्या किए होंगे समझ लिए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लेटर सीरीज इससे भी डेंजरस डेंजरस क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, लाएंगे आपके सामने में, तब आप देखिएगा जब क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का उठा कर रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन होता है। हाँ फ्रेंड्स, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही टफ क्वेश्चन सब होते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब देखिए यहां पर ओके, दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है फ्रेंड्स, चलिए बताइए यहां पे क्या फील होगा। हाँ ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन होता है, यहां पे क्या फील होगा सो बताइए, यहां पे क्या फील होगा फ्रेंड जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा वहां पे फील, जल्दी जल्दी थोड़ा लगाइए दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए बन जाएगा बन जाएगा, बताइए क्या होगा वहां पे फ्रेंड्स। बताइए कुछ समझ में आ रहा है, हाँ नया टाइप है ना, एक तो दे ही रहे हैं उसी हिसाब से ना, कि नया टाइप के हिसाब से ही तो आपको दे रहे हैं। चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, फ्रेंड्स याद रखिए बार बार एक ही चीज कितने बार बोले आप लोग को, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा से समय दे पाए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स इसमें देखिए क्या हो रहा है, देखिएगा इसमें क्या होता है, अगर आप इसमें गौर करेंगे तो फ्रेंड्स कोई लॉजिक ही नहीं आ रहा है सामने में, आ रहा है क्या कोई लॉजिक आ रहा है क्या बताइए, तो कोई लॉजिक आ रहा है क्या, कोई लॉजिक आ रहा है क्या बताएं, कोई लॉजिक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, एस को उधर कर देंगे तो फिर टी का टी ई का यू चेक कीजिए तो कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, चाहे नीचे करके नहीं हो रहा है, हो क्या रहा है तो गौर कीजिएगा फ्रेंड्स। ये जो है आप एक जंबल है, किसका है जंबल, तो ये जंबल है कंसोनेंट और वोवेल का, मतलब कंसोनेंट और वोवेल का जंबल है। अब हम क्या किए, आपको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप एबीसीडी को पढ़ें तो क्या होता है, ए बी ए से लेकर जेड तक जाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो ऐसे होता है, अल्फाबेट जो तो उसका ऑर्डर क्या होता है, ए से लेकर जेड तक शुरू होता है, सॉरी ए से शुरू होता है जेड पे खत्म होता है, होता है कि नहीं होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको इसमें क्या किया, इसमें क्या कि ये जो वर्ड्स था ये जो लेटर्स हैं इस सब को नीचे क्या किया, अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर होता है उसमें क्या किया, अरेंज कर दिया, उसमें क्या किया अरेंज कर दिया। देखिए डी के बाद क्या आता है ई, डी के बाद ही ई आएगा ना, ई के बाद ही एन आएगा ना, एन के बाद ही एस आएगा ना, एस के बाद ही टी आएगा ना, फिर टी और टी के बाद ही यू आएगा ना। अल्फाबेट्स में पहले डी दिखेगा आपको, तब ई दिखेगा, तब एन दिखेगा, तब एस दिखेगा, तब टी दिखेगा, तब टी दिखेगा, फिर यू दिखेगा, टी टी एक साथ दिखेगा, इसीलिए यहां पर आप ऐसा नहीं, इसीलिए टी को दोनों टी को एक साथ लिखना पड़ा, ऐसा ही होगा ना, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में। जैसे देखिए अगर हम यहां पर लिख दिए आर क्यू पी, अगर हम आपको बोले कि इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे, पी क्यू आर, ये भी से नहीं होगा तो थोड़ा लगेगा कि सर ये क्या लिख दिए। तो ये देखिए अगर आपको हम बोलेंगे ए एफ बी एच,
अब इसको अगर हम बोले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे तो कैसे लिखेगा, ए बी एफ एच ऐसे लिखेगा ना। ये बात समझ में आया, तो चलिए ये बात समझ में आ गया तो बस ये क्वेश्चन भी ऐसा ही इसी के ऊपर बेस्ड था। तो यहां पे क्या लिखाएगा, यहां पे क्या लिखाएगा, यहां पे लिखाएगा फ्रेंड्स आपको देखिएगा इसमें टी ई ए सी एच ई आर में देखिए पहले लिखाएगा यहां पे ए, फिर लिखाएगा यहां पे क्या है सी, फिर लिखाएगा यहां पे डबल ई ठीक है, फिर यहां पे लिखाएगा एच, फिर आर और फिर टी। देखिए हो रहा है क्या, हो रहा है, ये हुआ आपका, ये हो जाएगा क्या आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे भी टाइप से क्वेश्चंस आपके यहां पे क्या होते हैं एनालॉजी लेटर एनालॉजी में फॉर्म होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं इसी पे बेस्ड, बस लेटर एनालॉजी पे अभी और भी है बहुत सारा चीज है। ठीक है, समानता देख रहे हैं कैसे कैसे समानता बन रहा है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, दिख रहा है, दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, बताइए इसमें क्या होगा, बताइए थोड़ा सा लगाइए लॉजिक, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और बन जाएगा। मेहनत कीजिए, मेहनत बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है, ये बात याद रखिए। कुछ फ्री में नहीं मिलता आज के जमाने में, आज के जमाने में क्या पहले भी नहीं मिलता था, जॉब बिना मेहनत का नहीं मिलेगा। अभी जो आपको लग रहा होगा ना चलो थोड़ा आज यहां ये कर लेते हैं कल वहां ये कर लेते हैं, कोई काम नहीं देगा, कुछ भी काम नहीं देगा जब तक कि आपको जॉब नहीं लग जाएगी। जॉब लग जाए जो मन में आएगा वो कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास पैसे होंगे, आपके डिसीजन को भी लोग बोलेंगे अच्छा हाँ बहुत अच्छा डिसीजन आप ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज अभी से आपको समझना चाहिए, और अच्छी बात है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी से पढ़ाई शुरू कर दिए हैं, मतलब कंपटीशन का प्रिपरेशन शुरू कर दिए हैं, बहुत अच्छा बात है। लोगों को पास आउट होने के 3 साल 4 साल 5 साल बाद पता चलता है कि रियल में करना क्या चाहिए, आपको अभी से पता चल रहा है। ठीक है, तो एकदम उसके ऊपर शुरू कर दीजिए, हो जाए काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसका आंसर दीजिए, दीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या हो गया, अगर आप इसको देखेंगे, इसको आप देखेंगे तो इसमें हो क्या रहा है, देखिए फ्रेंड्स वही है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया है लेकिन क्या कर दिया रिवर्स, क्या कर दिया रिवर्स। देखिए अगर इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते तो कैसे लिखते, सी ई के एन लिखते ना, बताइए लिखते ना। अगर हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर लिखते तो कैसे लिखते, ऐसे लिखते, लेकिन अगर इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाने है लेकिन इसको क्या कर दिए रिवर्स कर दिए, मतलब उल्टे तरीके से लिखे। तो पहले क्या लिखे यहां पे देखिए, सी तब ई तब के तब एन, ठीक है यही हुआ ना, यही हुआ ना। तो बस उसी तरह इसको भी करना है, किसको, इसको भी करना है। तो देखिए अगर हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते तो क्या लिखते, पहले क्या लिखते, पहले लिखते ए, क्या लिखते ए लिखते ना, बताइए हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ ए लिखते, फिर लिखते क्या डी, लिखते, लिखते कि नहीं सो बोलिए, लिखते ना, फिर क्या लिखते एफ, फिर क्या लिखते ओ, फिर क्या लिखते आर, आर और क्या लिखते डब्लू, लिखते कि नहीं लिखते जब बताइए, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं फ्रेंड्स, बताइए है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, ये लिखते कि नहीं लिखते। ठीक है, अब चलिए अब इसको हम क्या करेंगे रिवर्स में कर देंगे, तो क्या आएगा रिवर्स में, डब्ल्यू आर आर ओ एफ डी ए। समझ में आया ये बात आप लोग को, ये बात आप लोगों को समझ में आया, समझ में आया, तो चलिए समझ में आया तो अब नेक्स्ट वाले का आंसर कीजिए। ये समझ में आया ना फ्रेंड्स, देखिए कुछ खास नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, कुछ खास है, अजनबी सी क्या है, कुछ सॉन्ग वंग है ना आप सभी को पता है। ठीक है चलिए फ्रेंड्स, तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा।
चलिए देखिएगा, ठीक है, ओके, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात ठीक है, बताइए फ्रेंड्स इसका क्या होगा आंसर, बताइए, सोचिए 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 सोचिए, बताइए इसके बारे में क्या होगा इसका आंसर, बताइए बताइए थोड़ा जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, सोचिए क्या हो रहा है यहां पे, देखिए क्या हो रहा है यहां पे, क्या हो रहा है, एक नहीं दो 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 कंसेप्ट है इसी में, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, बताएं जल्दी बताएं क्या होगा, क्या होगा, चलिए अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिएगा फ्रेंड्स अगर आप इसको गौर करेंगे तो देखिए इसमें ना आपको कुछ दिख रहा है सर, ये ई कुछ कुछ लेटर से रिलेटेड एक दो ऐड करने वाला कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं, आप कितना भी छान लीजिएगा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, समझे, अब देखिए यहां पे हुआ क्या, वो देखिए जहर जबरदस्त चीज हुआ, क्या हुआ देखिए आप इसमें से, देखिए इसमें से वोवेल कौन कौन से है, ई है वोवेल, ओ है वोवेल, ओ है वोवेल, तो देखिए वोवेल को अगर आप लिखेंगे, वोवेल को अगर आप लिखिएगा मतलब स्वर बोलते हैं हिंदी में, उसको अगर आप लिखिएगा तो कैसे लिखेगा वो देखिए, उसका जो ऑर्डर होता है लिखने का क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है ना, टोटल पांच ही होते हैं, ए ई आई ओ यू होता है कि नहीं होता है बताइए, होता है ना, तो देखिए ये इसी सीक्वेंस में लिखाता है ना, इसी सीक्वेंस में लिखाता है, देखिए यहां पे होबेल कितने मिले, एक दो तीन, अब इस तीनों को देखिए उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है क्या, ई ई के बाद ओ ओ, ई के बाद ओ आता है, ई ओ लिखा लिखा हुआ है ना, मतलब कि सर पहले क्या किए, जो इसमें से वोवेल था उसको अलग लिख लिए, पहले लिख लिए और सीक्वेंस में लिख लिए, उसके बाद ये आपको क्या लग रहा है, ये आपको क्या लग रहा है फ्रेंड्स, तो सर ये जो है, ये जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेटर्स लिखा हुआ है, वोवेल को पहले लिख लिए और अल्फाबेटिकल में ऑर्डर में बाद बाकी कॉन्सोनेंट जो था उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिए, समझ में आया ये बात, ये बात समझ में आया तो उसका आंसर अब तो कर दीजिएगा, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, चलिए बताइए उसका आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, इसका आंसर होगा आई ओ ओ बी जी एल वाई, ये हो जाएगा आपका आंसर, समझ में आया, समझ में आया ये क्या चीज था, ये समझ में आया आप लोग को, तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपके लेटर में क्या होते हैं, क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, ठीक है समझ में आया।
चलिए समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो दिक्कत वाली बात है। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ सही तो बोल रहे हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो दिक्कत वाली बात है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से पीछे जाकर आपको क्लास जो है देखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका नेक्स्ट तरीका की तरफ जो होता है वो देखिए। ओके आइए फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए बताइए इसका क्या होगा, ये क्या हो गया? ये तो कुछ और ही अलग चीज हो गया, बताइए। एक मिनट फ्रेंड्स रुक जाइएगा, एक मिनट रुक जाइएगा, जो कंसेप्ट हम बताना चाह रहे हैं उससे ये कंसेप्ट नहीं होगा, इतने इतने छोटे वर्ड से नहीं होगा। ठीक है देखिएगा, ठीक है ओके। चलिए अब बताइए उसका क्या होगा। चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, अब बताइए। मजा आया, जबरदस्त। हाँ फ्रेंड्स डोंट वरी, ऐसे ही क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं जो आपका हालत खराब कर देता है एग्जाम में, इसीलिए अभी आपको हर टाइप से करवा दिए रहेंगे, तब ना आप उस टाइम पे सोचेंगे कि अच्छा ये टाइप भी सर करवाए हुए हैं तो इस टाइप को भी जल्दी से कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाक से बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी आ रहा है तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाक से बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए फ्रेंड्स देखिए यहां पे क्या हो रहा है, अब आप लोग को हम थोड़ा सा रिवील करते हैं कैसे क्या। देखिए सबसे पहले इसको आप क्या कीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा लीजिए, तो देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर सजाएगा तो क्या होगा, सी डी एम एन ओ ओ पी यू, यही होगा, देख लीजिए आप, यही होगा ना। अब देखिए क्या हुआ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाने के बाद क्या हुआ, देखिएगा आएगा मजा, तब बोलेगा अरे सर देखिए सी में एक ऐड कर दे, सी से एक आगे बढ़िए क्या हो गया डी, डी से एक आगे बढ़िए क्या हो गया ई, एम से एक आगे बढ़िए क्या हो गया एन, एन से एक आगे बढ़िए क्या हो गया ओ, ओ से एक आगे बढ़िए क्या हो गया पी, फिर ओ से एक आगे बढ़िए क्या हो गया पी, पी से एक आगे बढ़िए क्या हो गया क्यू, यू से एक आगे बढ़िए क्या हो जाएगा भी। तो फ्रेंड्स यहां पे क्या करना पड़ेगा,
यहां पे क्या करना पड़ेगा सर, वही चीज जो वहां पे किए, सबसे पहले हम सर क्या कर लेते हैं ना इजी वे में कि हम जो है अल्फाबेट के लिए आपको हम समझाने के लिए फ्रेंड्स इतना अच्छे से कर लिख लेते हैं। तो क्या होगा, ए डबल ए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, डबल ए ठीक है, डबल ए हो गया, डबल ए उसके बाद से आई, आई हो गया, फिर एल, फिर एन, फिर एन, फिर ओ, फिर टी, देख लीजिए यही होगा ना यही होगा ना। अब चलिए ए से एक आगे बी, इस ए से एक आगे बी, इस आई से एक आगे जे, एल के आगे एम, एन के आगे ओ, एन के आगे ओ, ओ के आगे पी, टी के आगे यू, ठीक है। तो आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर अब फ्रेंड्स आपका क्या हो गया आंसर, देखे समझ में आया, आया मजा कैसा था, समझ में आया मजा आया है। तो फ्रेंड्स ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, इसीलिए हम यहां पे दे रहे हैं, ऐसे ही नहीं कुछ दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, चलिए मजा आ रहा है। हाँ फ्रेंड्स पूरा एकदम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो दे देते हैं ना कि आपको जो है लगा कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या है, नया नया चीज सब सर क्या क्या देते रहते हैं आप, क्या क्या देते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके तो चलिए एक और देते हैं आपको, इसके बारे में बताइए हमको क्या होगा। चले फ्रेंड्स ये आपका रहा होमवर्क, ठीक है, आपको इसका होमवर्क करके लाना है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका होमवर्क करके लाना है, इसको सॉल्व करके लाना है, ठीक है, इसका आंसर बताइएगा आप लोग क्या होगा, ठीक है। ओके ठीक है, उसके बाद से आपका वो हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अगेन बहुत बढ़िया, ओके चलिए इसको आप सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है, ये आपका हो गया फ्रेंड्स होमवर्क। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपका आपको ये सेशन, फ्रेंड्स सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग शेयर भी नहीं करते, हाँ फ्रेंड्स आप लोग ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। मैंने आप लोग को कहा है फ्रेंड्स कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स आपको पढ़ाई कैसा लगता है आप कमेंट में बताया कीजिए, ठीक है, आपको क्वेश्चंस सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं वो भी बताया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, जब तक क्लास को आप लोग शेयर नहीं करेंगे तब तक कैसे मजा आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब भी कीजिए, ये सब जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आपसे तो कोई हम नहीं बोल रहे कि आप हमें इस क्लास के लिए इतना रुपया पे कर दीजिए चाहे वो कर दीजिए, ऐसा तो नहीं बोला है ना मैंने, बस मैं आपसे क्या चाहता हूँ कि आप क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, हाँ सेशन को लाइक तभी कीजिए जब आपको पसंद आ रहा है क्लास, नहीं तो लाइक करने का मन है तो नीचे लिखिए सर
ये चीज कमी आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इसी के साथ फ्रेंड्स इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमारा प्रैक्टिस बैच जरूर देखिए, मैथ्स का हो रहा है, रीजनिंग का हो रहा है, जीके जीएस का हो रहा है, सबका प्रैक्टिस बैच हो रहा है। सबके टाइमिंग भी आपको पता है, मैथ्स होती है 11 बजे सुबह में, जीके जीएस होती है 1 बजे दोपहर में, और रीजनिंग होती है शाम के 6 बजे। ठीक है, आप लोग कोशिश करें सारे क्लास में अटेंड होने का, अटेंड मतलब प्रेजेंट होने का, और सारे क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सबका आंसर मैच कीजिए, मैं आपको इसमें करवाता ही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आशा करते हैं आप लोग करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, और मूल मंत्र सिद्धत को याद रखिए। चलिए बाय फ्रेंड्स।